इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में आज मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को एक बीमारी कह रहे हैं वह मानसिक रूप से बीमार है और सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। दरअसल विधानसभा 2 में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन को बीमारी बताने वाले मानसिक बीमारी के शिकार है, क्योंकि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता और यह विश्व को शांति और सद्भावना केवल सनातन धर्म ही दे सकता है। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इसलिए वह सब एक मत नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी को हराने के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मोदी जी का प्रभाव विश्वव्यापी बड़ा है, देश में भी बड़ा है। जो विपक्ष के हर राजनीतिक दल ये समझता है कि मोदी जी को नहीं हरा सकते, तो वो सारे लोग अब गठबंधन कर रहे हैं और सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, किसी की किसी से नहीं पटती, पर मोदी जी के लिए सब एक हो गए। अभी पिछले दिनों शरद पवार की बैठक हुई टिकट को लेकर, कोई हल नहीं निकला, क्योंकि हल निकल भी नहीं सकता। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो हमको प्रयोगशाला में मैग्नेट लिखा रहे, तो वो प्लस प्लस वो हमेशा रिपल्स होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, माइनस प्लस चाहिए, वहाँ पे सारे प्लस हैं, सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न जानने की ज़रूरत है कि 20 तारीख को इनकी बैठक हुई और 22 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टीफन के बेटे यह कहते हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, क्या ये बीमारी है? हम नदी को माता कहते हैं, हम समुद्र को देवता कहते हैं, हम पवन भगवान की तरह पूछते हैं, हम ये क्या बीमारी है? ये एक्चुअल में मानसिक बीमारी उन लोगों की जो इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का झंडा सारे विश्व में लगेगा, क्योंकि जो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आए, चाहे वो मुगल हो, चाहे हूण हो, चाहे शक हो, वो खुद समाप्त हो गए, पर सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और विश्व को यदि मानवता का, इंसानियत का और शांति का संदेश कोई दे सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म दे सकता है। इसलिए सनातन धर्म कुछ लोगों का नहीं है, ये विश्व धर्म है, ये मानवता का धर्म। We'll be right back.